अरे गजब है यार। ये तो थोड़ी देर के बाद बनवाएंगे, पहले हमको करने दीजिए। तब तो घूमेंगे ना, तब तक तैयार है। अच्छा ये आ जाओ, ये सामने दरगाह है सलीम चिश्ती जी का। अच्छा थोड़ा सा दो मिनट रुको। ये अभी आप कौन सी दरगाह है? व्हाइट वाली, ये वाली व्हाइट वाली। अभी आप लोग जो आए थे सीकरी देख के, ये फतेहपुर है, लेकिन मुगल में यह फर्स्ट नंबर सीकरी एक गांव था, लेकिन यहाँ कोई गांव नहीं था फतेहपुर। मुगल में सबसे पहले यहाँ हिमायूं के फादर आए बाबर। बाबर में और राणा संग्राम में एक फाइट हुआ 1527 में। बाबर ने फाइट जीता, इसको किया फतेह, नाम जीता इसका, दिया पूरा फतेहपुर। सीकरी इसके बैक साइड ओल्ड सिटी, फतेहपुर न्यू सिटी कम्बाइंड, फतेहपुर सीकरी। सामने व्हाइट वाली दरगाह है, ये दरगाह है अकबर के गुरुजी की, सलीम चिश्ती जी की। बादशाह अकबर को औलाद नहीं था, तो यहाँ पहले कोई किला नहीं था, सिर्फ एक पहाड़ी इलाका था, जंगल। अकबर की कैपिटल राजधानी दिल्ली, दिल्ली से अकबर औलाद के लिए अजमेर शरीफ गए, जहाँ नाम सुनो आप लोगों ने, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह। मन्नत मांगा, वहाँ से एक सपना हुआ कि फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ बाबा रहते हैं सलीम चिश्ती। तो बादशाह अकबर राजस्थान से भाई वॉक पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी आए। अकबर की तीन वाइफ थी, जो अभी आप लोग जो रूम्स देखे हैं तीनों रानियों के। हिंदू रानी जोधा बाई से बेटा मिला, उसका नाम था सलीम। लड़का एक था, नाम थे उसके तीन, पहला नाम दिया सलीम, दूसरा नाम दिया सेकू, तीसरा नाम दिया जहांगीर जहां का बादशाह। तो बादशाह अकबर इधर 1568 में आए थे, 1569 में उसकी मन्नत पूरी हुई, 1570 में इस किले को बनवाना स्टार्ट किया, 1582 में ये पूरा किला ये कंप्लीट हुआ। इस किले को पूरे को 12 साल लगा बनने में, 12 ईयर्स। सामने ये दरगाह है, लोग वहाँ जाते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं, फातिया भी पढ़ते हैं, और लोग जाते हैं तो वहाँ चादर पकड़ा भी चढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं अंदर चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं चादर से टच करके, वहाँ डोरियों के लिए कलावे भी बनते हैं, लेकिन करना मन से, अगर कोई जबरदस्ती नहीं होता है, ठीक है। ये सामने जो छोटा छोटा कवर है व्हाइट वाली जो दरगाह है, सब सलीम चिश्ती जी के वंश फैमिली के लोगों की। अच्छा, और ये छोटे छोटे स्कूल चलते थे यहाँ पर, मदरसा, ये सारा गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया है क्योंकि टूरिस्ट की वजह से। तो ये बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा गेट है एशिया का, और बुलंद के माने ऊंचा है, दरवाजा एक छोटा गेट। तो अभी आप लोग दरगाह बोलो, सर पर रुमाल ढक के, अगर चाहिए फूल धागा चादर तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अंदर वैसा फातिहा पढ़ सकते हैं। दरवाजा नहीं था, एक फोटो में